बिजनौर के नजीमाबाद में साहू जैन कॉलेज राष्ट्रीय सेवा योजना छात्रा इकाई का तृतीय एक दिवस शिविर आज कौमी एकता दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर नीलम वालिया ने कहा, जहां भारत में विभिन्न जातियों के लोग एक साथ रहते हैं और अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, वहीं अपनी अपनी परंपरा धर्म अनुसार निभाते हैं। भारत के लोगों के बीच सोच में विविधता दिखाई देती है, इसलिए एक ही नहीं अनेकता में एकता हमारे राष्ट्र की विशेषता है। हमें जात पात धर्म भाषा के मतभेद से ऊपर उठाकर एकता के सपनों को साकार रूप देना है। इस अवसर पर तबस्सुम उज़्मा, दरख्शा, साइनूर, जिया स्वयं सेविकाओं ने कहा, हम सब एक हैं, हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। यहाँ बच्चों ने एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर लोगों को जागरूक किया। मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। एक मोहम्मद रफी था महफिल में रघुपति राघव गाता था। एक प्रेमचंद जो बच्चों को इतना सुनाता था। साहू जैन इंटर कॉलेज में महाविद्यालय में पढ़ती हूँ। मैं कौमी एकता पर कुछ दो लाइनें बोलना चाहूँगी। किसी को लगता है हिंदू खतरे में, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में, धर्म का चश्मा उतार कर देखो दोस्तों, पूरा हिंदुस्तान खतरे में। साहूजन महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की छात्रा इकाई का तीसरा एक दिवसीय शिविर जो है कौमी एकता दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। आज इस उपलक्ष्य में हमने एक छोटा सा नाट्य प्रस्तुत किया छात्राओं ने हमारी, और उसके माध्यम से हमने ये बताने की कोशिश की है कि सभी धर्मों का जो नैतिक मूल्य है वो सब एक है, सभी धर्मों का हमें सम्मान करना चाहिए और सभी धर्मों को एक होकर हमारे देश के विकास के लिए अपना योगदान देना चाहिए।